नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं राहु से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्य के बारे में। देखिए, जब भी कभी आप अपनी कुंडली देखते हैं या अपनी फैमिली में किसी की कुंडली देखते हैं या अपने दोस्तों में किसी की कुंडली देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको तथ्य के रूप में मालूम होनी चाहिए ताकि आपको बार बार किताबें खोलने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही कुंडली आपके सामने आई तो आपने कुछ चीज़ों को देखते के साथ ही प्रिडिक्शन कर दिया या फलादेश कर दिया। इसलिए आपको हर एक ग्रह के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए हमेशा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं हर एक ग्रह के बारे में इसी तरह फैक्ट्स बनाकर आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। इनका अपना कोई एग्जिस्टेंस, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके जैसा प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। नो डाउट राहु और केतु दोनों ही अपना प्रभाव अचानक देने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए शायद ये बात कही जाती है कि राहु रातों रात किसी को सफल और रातों रात किसी को असफल बना सकता है। कहते हैं कि राहु शनिवत फल देता है, यानी शनि के जैसे फल देता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल रूप से यह देखा कि शनि और राहु के प्रभाव देने में बहुत अंतर होता है। जहां शनि आपको सिखाने के लिए आते हैं, इस मोह भरी दुनिया से आपको एक हार्ड ट्रुथ से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, यानी आपको लोगों का और इस दुनिया का असली चेहरा दिखाते हैं, वहीं राहु आपको भ्रम, इल्यूजन और माया दिखाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो ऐसे लोग हमेशा आपको एक बात बोलते हुए दिखाई देंगे कि हम जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे उसी ने हमारा भरोसा तोड़ा। दरअसल उसने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि शनिदेव ने उसका असली चेहरा आपको दिखा दिया। राहु से जब इंसान प्रभावित होता है तो वो चीज़ें जो नहीं हैं उसको महसूस होने लगती हैं। खैर, अभी आप आगे वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरली रूप से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, राहु वृषभ राशि को, यानी जहाँ ये दो नंबर लिखा है ना, राहु वृषभ राशि को अपनी उच्च राशि मानता है। हालांकि कुछ ज्योतिषकारों ने कहा कि राहु वृषभ में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के, तो वहीं कुछ ज्योतिषकारों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और धनु में नीच के। तो कुछ ज्योतिषकारों ने कहा कि नहीं, राहु उच्च राशि और नीच राशि में होते ही नहीं है, मतलब राहु की उच्च राशि और नीच राशि होती ही नहीं है, राहु की केवल एक राशि होती है, कन्या राशि। और कुछ ज्योतिषकारों ने कहा कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, ना तो कोई उच्च राशि ना तो कोई नीच राशि, इसीलिए राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह को देखना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप से यह देखने में आता है कि कन्या राशि में राहु का प्रभाव अच्छा देखने के लिए मिलता है जनरली। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध को भी कुमार ग्रह कहा जाता है और बुध भी अपना रिजल्ट तुरंत दे देते हैं, इसीलिए राहु इस राशि में अन्य राशियों की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक अच्छा प्रभाव देते हैं। अब देखिए, राहु कुछ लग्नों में कारक होते हैं, कुछ लग्नों में अकारक। मैं ये बात पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे अब ये चीज़ बार बार एलोबरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में राहु को विशेष धन प्रदायक कहा जाता है। कहते हैं कि राहु दूसरे, पांचवें, नौवें और ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो ऐसे इंसान को उसके जीवन में कई बार अचानक से धन लाभ होता है, और ये बात सच भी है, लेकिन ये केवल आधा सच है। पूरा सच सुनिए, इसके लिए आपकी कुंडली में राहु का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। राहु दूसरे भाव में बैठते हैं तो ये बात सच है कि धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर राहु कारक नहीं है और खराब स्थिति में है तो ये धन को नाश करने के लिए, मतलब आपकी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स भी खर्च हो जाएं, पैसा आपके हाथ में ना टिके, आपकी वाणी से कभी ऐसी कोई चीज हो जाए जिसकी वजह से आप ही को नुकसान हो जाए, ये राहु देता है। सेकंड हाउस में राहु होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चेहरे में कोई बर्थ मार्क या कोई चोट का निशान जरूर होता है, खासतौर पर तब जब आपको आपके जीवन के शुरुआती अवस्था में राहु की महादशा मिली हो। तो कई बार देखने में आता है कि सेकंड हाउस का राहु चेहरे में कोई ना कोई तिल निशान या बर्थ मार्क जरूर देता है। पंचम भाव में राहु अगर अच्छी स्थिति में है तब ठीक, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये आपको कई बार धोखे का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे, मे बी आपको धोखा दे दे। नाइन्थ हाउस में राहु अगर अच्छी पोजीशन में ना हो तो भाग्य साथ नहीं देता, इंसान को अपने भाग्योदय के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और एकादश भाव में अगर राहु की पोजीशन अच्छी हो तब तो ये धन प्रदायक होता है, लेकिन अगर अच्छी पोजीशन नहीं है तो बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए भी ऐसा राहु जाना जाता है। तो दूसरे, पांचवें, नौवें और ग्यारहवें भाव में राहु धन प्रदायक होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें और भी देख लेनी चाहिए, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ऐसा राहु वाकई धन प्रदायक है या नहीं। कन्या राशि में हाँ, राहु का प्रभाव जनरली अच्छा देखने के लिए आता है और ये माना जाता है कि कन्या राशि राहु की अपनी राशि है। राहु की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, इसलिए अगर किसी की कुंडली में राहु खराब स्थिति में हो तो उसको अपने घर का दक्षिण पश्चिम कोना जरूर देखना चाहिए कि क्या उस कोने में कोई भंगार या कबाड़ का सामान तो नहीं रखा, वो जगह बहुत गंदी तो नहीं है, कहीं उसको आपने स्टोर रूम तो बनाकर नहीं रखा। तो दक्षिण पश्चिम जो भी आपके घर का भाग है उसे हमेशा आपको सफाई से रखना चाहिए, मतलब उस जगह पर गंदगी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, राहु जिसकी राशि में होते हैं उस राशि का राशिपति जितना बलवान होगा, जितनी अच्छी पोजीशन में होगा, कहीं ना कहीं राहु की स्थिति भी उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी राहु बैठे हैं और उनका संबंध लग्न से बन जाए, जैसे राहु लग्न में ही बैठे हों या कहीं पर भी बैठे हों और उनकी दृष्टि लग्न में पड़ जाए, तो ऐसे लोगों की अनंत इच्छाएँ होती हैं। एक इच्छा पूरी होते ही वो दूसरी इच्छा में लग जाते हैं। ऐसे लोग जबरदस्त तरीके के संघर्षशील व्यक्ति होते हैं। कहते हैं कि लग्न और अष्टम से संबंध अगर अच्छा हो जाए व्यक्ति का, लग्न और अष्टम से संबंध हो जाए राहु का, और राहु भले ही जन्म कुंडली में कारक या अच्छी स्थिति में ना हो, तो तब भी एक क्वालिटी आपको इंसान के अंदर दिख जाएगी कि ऐसा इंसान के ऊपर जब भी कोई मुसीबत या खराब परिस्थिति आएगी तो वो और अग्रेसिव हो जाएगा, उसका दिमाग और तेज स्पीड से चलने लगेगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दशम भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं दशम का राहु राजनीति में बहुत अच्छी सफलता देता है। कार्यक्षेत्र में ऐसा इंसान बहुत नाम कमाता है, मतलब दूर दूर के लोग उसको जानते हैं। धन के लिए भी ये दशम भाव का राहु बहुत अच्छा है और राजनीति के लिए भी ये राहु बहुत अच्छा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कारक होकर राहु 11वें भाव में बैठे हों और 11वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे इंसान के पास एक से ज्यादा सोर्स होते हैं इनकम के। मतलब ऐसा इंसान एक काम करते करते दूसरा इनकम का सोर्स खड़ा कर लेता है, यानी उसके पास आय का साधन एक से ज्यादा होता है। धन के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगला सुनिए, वृषभ राशि का राहु, यानी अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि में है राहु, तो यह धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ते आपको यह भी देख लेना है कि आपकी कुंडली राहु के लिए योग कारक है या नहीं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में राहु जनरली अच्छा प्रभाव देते हैं। तीसरे भाव में बैठ के व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, ऐसा इंसान जुगाड़ू हो जाता है और वैलिड एफर्ट डालने वाला हो जाता है। उसके जो एफर्ट होंगे, उसके जो प्रयास होंगे, वो बहुत सोच समझ के किए गए होंगे, तो ऐसा इंसान पराक्रमी भी हो जाता है और उसका पराक्रम रिजल्ट दिखाने वाला होता है। छठे भाव का राहु आपको प्रबल शत्रुहंता बना देता है। छठे भाव के राहु के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर राहु स्थित हैं और आपका कोई दुश्मन है, आपकी कोई गलती नहीं है और ज़बरदस्ती वो आपके पीछे पड़ा है, तो उसे भूल जाइए आप। वो खुद में ही इतना परेशान हो जाएगा आगे चल के कि वो आपकी तरफ देखना छोड़ देगा। यहाँ पर राहु प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। ऐसा इंसान अगर अपने दुश्मनों से लड़ाई भी करे तो हमेशा जीतता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यही राहु अगर अकारक होकर खराब स्थिति में बैठे हों, तो ऐसा इंसान पूरे जीवन बीमारियों से, शत्रुओं से और कर्जों से परेशान रहता है। उसके ऊपर कर्ज भी बहुत होते हैं, बीमारियां भी एक के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहीं ना कहीं शत्रु भी उसके आए दिन बनते ही रहते हैं। दसवें भाव का राहु मैंने आपको पहले ही बताया, राजनीति के लिए और सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान नाम भी कमाता है, पैसा भी कमाता है। वहीं ग्यारहवें के लिए भी मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ऐसा इंसान एक काम करते करते दूसरा इनकम का सोर्स खड़ा कर लेता है, यानी ऐसे इंसान के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मे बी वो नौकरी से भी कमा रहा हो, बिजनेस से भी कमा रहा हो, कहीं से उसके पास रेंटेड इनकम भी आ रही हो, एक से ज़्यादा जगहों से उसके पास आय का, आमदनी का पैसा आएगा, ये बात तय है अगर राहु यहाँ पर अच्छी पोजिशन में है तो। एक अच्छे राहु की जो क्वालिटी होती है, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि राहु अगर अच्छा होता है तो ऐसा इंसान धोखेबाज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु अगर आपकी कुंडली में पावरफुल हो जाए तो आप धोखेबाज होंगे। एक अच्छे राहु की पहचान होती है कि व्यक्ति का स्वभाव एक अच्छा गुप्तचर से मिलता जुलता होगा, ना कि किसी धोखेबाज इंसान से। धोखेबाज इंसान तो वो होता है जिसकी कुंडली में राहु खराब हो, पीड़ित हो, वो धोखा देता है दूसरों को। राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा इंसान को आप अपना कोई भी सीक्रेट बता सकते हैं। अगर वो आपको जानता है, आपसे उसकी मित्रता है, तो वो आपके सीक्रेट कभी रिवील नहीं करेगा। एक अच्छा गुप्तचर, एक अच्छा, कहते नहीं इसलिए कि स्नाइपर जो एक राइफल होती है उससे अच्छा निशानेबाज एक राहु ही बनाता है। एक बढ़िया राजनीतिज्ञ राहु ही बनाता है। एक अच्छा इम्यून सिस्टम राहु ही देता है। तो इसलिए राहु अच्छा है तो आपके अंदर गुप्तचर यानी जासूस वाली क्वालिटी हो सकती है, धोखेबाज वाली क्वालिटी आपके अंदर नहीं होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी राहु और शुक्र की युति हो जाए, तो थोड़ा सा ये हेल्थ इश्यूज के लिए या कुछ मामलों में ये युति जो है थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देती है, लेकिन धन के लिए ये युति बहुत अच्छी हो जाती है। विशेष तौर पे अगर ये युति सेकंड हाउस में या फिर 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में या 12th हाउस में बनी है, तो धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि राहु और शुक्र की युति वाला इंसान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है पैसा कमाने का, यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसे इंसान को हमेशा अपने करैक्टर को, अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि राहु और शुक्र की युति में राहु शुक्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने चरित्र को कंट्रोल में रखें तो राहु और शुक्र की युति आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन, बेशुमार पैसा दे सकती है। 12वें भाव में अगर राहु बैठा हो और मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसा इंसान किसी
अच्छे काम के लिए, मतलब कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, यहाँ पर उसकी पहचान बहुत अच्छी होगी, यहाँ तक कि इन जगहों पे वो अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखेगा। यहीं पर राहु अगर खराब स्थिति में हो, कारक ना हो, नीच राशि में हो, मतलब नीच राशि जो हम जनरली मानते हैं कि राहु की होगी, उस राशि में हो, डिग्री वाइज बहुत कमजोर हो जाए, या एक साथ राहु के ऊपर भी मंगल और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, तब ये कारागार योग का निर्माण करता है। हालांकि इसके लिए आपको अपने गुरु को भी देख लेना है और आपको चंद्रमा को भी देख लेना है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर राहु अच्छा है यहाँ पर, तो मे बी आप पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और आपकी इन जगहों पर जैसे कोर्ट कचहरी या फिर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपकी पहुँच होगी, पकड़ होगी। और यही राहु बहुत कमज़ोर हो जाए तो ये कारागार योग का निर्माण कर देते हैं। कहते हैं ऐसा इंसान कभी ना कभी लाइफ में ऐसा डिसीजन, गलत डिसीजन ज़रूर लेता है, जिसकी वजह से उसको एक बार जेल जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ इसके लिए राहु का कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है, और कुंडली में गुरु और चंद्रमा को भी आपको देख लेना है। जब भी आपको ऐसी कोई कुंडली मिले जो राहु प्रधान कुंडली हो, है ना, कि जिसमें राहु बहुत पावरफुल होकर बैठे हों, तो ऐसे इंसान को काला रंग बहुत पसंद आता है। काला रंग मतलब ब्लैक कलर ऐसे इंसान का फेवरेट कलर होता है। और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ब्लैक कलर आपको सूट भी करेगा। देखा होगा आपने कई लोगों को, गाड़ी लेंगे तो ब्लैक लेंगे, कपड़े पहनेंगे तो ब्लैक पहनेंगे, ब्लैक कलर उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। समझ जाइए कि उसकी कुंडली राहु प्रधान है। अब राहु अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या खराब, वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अगर बात करें, जो एट्थ हाउस का राहु होता है, अष्टम भाव का राहु, ये राहु आपको आकस्मिक धन प्रदान करता है, हेल्थ इश्यूज देता है। लेकिन ऐसे इंसान का जो स्वभाव होता है वो बहुत रहस्यमय होता है। जिनकी भी कुंडली में एट्थ हाउस में राहु है, ऐसा इंसान, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये समझ जाइए कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये इंसान जितना चाहेगा आप उस इंसान को केवल उतना ही समझ पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें केवल अपने तक सीमित रखता है, अपने बाहर रिवील नहीं करता। बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है। ऐसे लोगों का दिमाग भी बहुत शार्प होता है, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एट्थ हाउस का राहु इसी वजह से कई बार कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सफलता दिला देता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल माइंड मतलब जो दिमाग है वो एक्स्ट्रा शार्प हो जाता है लोगों का, लेकिन स्वभाव जो है वो रहस्यमय हो जाता है। पंचम भाव में अगर आपके राहु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों, आपकी कुंडली में कारक हों, तो ऐसे इंसान को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, मार्केटिंग या जिसको कहते हैं ट्रेडिंग, इनमें बहुत सफलता मिलती है, चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी हो। लेकिन अगर राहु यहां पर बिगड़े हुए बैठे हो, कमजोर हो जाएं, कारक ना हो, तो यहीं पर फिर आपको कभी भी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनमें आपको बिना चंद्रमा और गुरु को देखे निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे कि आपका पैसा इसमें काफी खराब हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं, मे बी ऐसे लोग आपको टाइम आने पर आपका सपोर्ट ना करें, आपको धोखा दे दें या आपके मन मुताबिक काम ना करें। फिफ्थ हाउस में अगर राहु है आपके, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, किसी ना किसी एक फील्ड में ऐसे लोगों के पास एक्स्ट्रा टैलेंट होगा। यहां पर राहु का होना, सबसे पहले देख लीजिए कि राहु की स्थिति क्या है। अच्छा राहु है तो डेफिनेटली इन सारी फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर राहु की अच्छी पोजीशन नहीं है तो आपको इन सारी फील्ड से दूर रहना चाहिए। कहते हैं द्विस्वाभाविक राशि में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। द्विस्वाभाविक राशि मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो राशियां हैं, ये राशियां द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। और कहते हैं इन राशियों में राहु अधिक प्रभावशाली होता है। मेरे शब्दों को समझिएगा, अधिक प्रभावशाली होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, मैं कह रहा हूँ प्रभावशाली होता है। यहाँ पर राहु बहुत इंटेंस प्रभाव देते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इन्हीं राशियों में राहु हैं, तो देखिए किस भाव से उन्होंने संबंध बनाया है। जिस भाव से उन्होंने संबंध बनाया है, अच्छे कंडीशन होने के बाद उस भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट राहु आपको आपकी लाइफ में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास, कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं, हम कैसे ये जाने कि राहु हमारे अच्छे हैं कि नहीं। अगर आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है वो हिस्सा बहुत साफ सुथरा है, आपके घर का माहौल जो है अच्छा रहता है, आप दूसरों को धोखा देना आपको पसंद नहीं है, दूसरे के दुख में आप दुखी होते हैं, आप दूसरों का भला करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप देखें कि आपको माइग्रेन या सिर दर्द या मानसिक किसी भी तरह की परेशानी, गैस, एसिडिटी, इस तरह की समस्याएं हमेशा नहीं बनी रहती, तो श्योर कि आपकी कुंडली में राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप बिना कुंडली के भी ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में या आपकी कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो राहु से रिलेटेड थे, और आई एम श्योर कि जब आप कुंडली देखेंगे तो ये सारे फैक्ट आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, ये आपको कुंडली के विश्लेषण करने में मददगार होंगे। तो एक बार अपनी कुंडली देखिए, और अपने जिनकी भी, अगर आपके पास आपके फैमिली में या दोस्तों में किसी की कुंडली है, तो ये कुंडली खोलकर देखिए और ये सूत्र उसमें लगाने की कोशिश करिए, आपको 100% रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा।
चलिए बात कर लेते हैं लास्ट में कि किसी की कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं या किसी की कुंडली में राहु बहुत खराब है, क्या करें। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली हो जाएगा तो भी समस्या करेगा, और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो भी समस्या करेगा। राहु के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको नियंत्रित करने की कोशिश किया जा सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाओ तो उसे अवॉइड करो। तो आपको चाहिए कि आप राहु से भिड़ने की बजाय उसको शांत करने की कोशिश करें, ताकि अगर वो खराब है आपकी कुंडली में और आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको खराब रिजल्ट ना मिले। अब उसके लिए करना क्या चाहिए, देखिए, करने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते तो आप मंगल शनिवार हनुमान जी में चोला चढ़ाया करिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं, जहाँ पर हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल और इससे एक लेप बनाकर पतला सा लेप श्रृंगार के स्वरूप हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अब आपके जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो कई राज्य के और कई देश के लोग देखते हैं, तो आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना इसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत रामबाण उपाय है। करना कब है, मंगल और शनिवार। इसके अलावा हर दिन हनुमान जी का दर्शन करना भी राहु को बहुत कंट्रोल में रखता है, और यकीन करिए राहु कंट्रोल में रहे ना तो सबसे बढ़िया है। और अगर आप चाहते हैं कि राहु आपकी कुंडली में खराब है और अच्छा रिजल्ट करे, या आपकी कुंडली में राहु कैसा भी हो बहुत अच्छा रिजल्ट करे, तो विष्णु भगवान का पांव पकड़ लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी का कोई स्त्रोत या विष्णु जी का कोई भी मंत्र आप पकड़ लीजिए, और आप देखेंगे कि राहु आपकी कुंडली में कैसे भी हो, किसी भी भाव में हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप भी अपनी कुंडली में से देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।